अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मम्मा किड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुशपाश होंगे। तो व्यूअर्स, आज की है मेरी सीरीज़ की लास्ट ट्रिक। जी हाँ, आज मैं आपको लास्ट टेक्निक सिखाऊंगी पोरिंग पेंट से रिलेटेड। तो इससे पहले आप लोग मेरी सिंपल पोरिंग पेंट भी देख चुके हैं और हेयर ड्रायर से जो डिफरेंट इम्प्रेशन हमने दिया था वो भी देख चुके हैं, और आज की जो लास्ट है वो मैं आपको सिखाऊंगी अपना जो मैंने पोर मीडियम बनाया और घर में उससे मैंने जो पेंटिंग बनाई है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आए पहले हम देखते हैं चैनल का इंट्रो, उसके बाद की बाकी वीडियो। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यही बेल है जो आपके और मेरे बीच में है कनेक्शन। तो व्यूअर्स, तो आज की वीडियो जो है, जैसे कि टाइटल से पता चल चुका होगा, मैंने आपसे वादा किया था कि जो लोग ये जो फ्रेंड्स मेरे घर पे बैठे हैं और वो लोग पोरिंग मीडियम उनके इलाके में नहीं मिलता या वो ऑनलाइन नहीं मंगवा सकते, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाऊँगी कि आप लोग घर में बैठ के कैसे पोरिंग मीडियम घर पर ही बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक कैनवस एज यूजल चाहिए होगा, डिस्पोजेबल ग्लासेस और स्टिक्स फॉर अ मिक्सिंग पर्पस, और मेन मटेरियल है हमारा वाइट ग्लू। जी व्यूअर्स, ये वो वाइट ग्लू है जो कि मार्केट में बहुत ही आम मिलता है, जो कि क्राफ्ट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और मेरी मोस्टली वीडियोस में आप देख चुके हैं कि वाइट ग्लू मैं बहुत ही यूज़ करती हूँ। तो आप किसी भी ब्रांड का वाइट ग्लू ले सकते हैं। इसको अमूमन मार्केट में या आप किसी भी पेंट्स की शॉप पे जाके जर्मन ग्लू का नाम दे तो वो जर्मन ग्लू का नाम भी से पहचान जाते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोपोर्शन कुछ इस तरह होगा व्यूअर्स, अगर आप मसलन 2 टेबलस्पून में इसमें वाइट ग्लू डाल रही हूँ तो उसी में हम लोग उतनी ही क्वान्टिटी में पानी डालेंगे। जी, 1:1 का रेशो होगा, एक रेश पार्ट होगा हमारा जर्मन ग्लू और एक पार्ट होगा पानी, और इसको आप लोग ने स्टिक से तब तक मिक्स करते जाना है जब तक कि अच्छी तरह पानी में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मगर व्यूअर्स कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो इसीलिए अब टाइम है, आप देख सकते हैं कि मैं ग्लू डाल चुकी हूँ, और ग्लू डालने के बाद आप किसी डिस्पोजेबल स्पून से या किसी भी स्टिक से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि वाइट ग्लू का टेक्स्चर आप देख सकते हैं, ये देखें कितना स्टिकी है और थिक भी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को कम करने के लिए हम लोग इसमें डालेंगे पानी। तो जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि 1:1 का रेशो होगा, तो इसमें हम लोग पानी डालेंगे और इसको फिर आराम से आपने अच्छी तरह मिक्स करना होगा। जी व्यूअर्स, आपको एक टिप देती चलूँ कि कुछ लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे हम लोग ये पोरिंग मीडियम जब बना लें, जब पानी में अच्छी तरह हल हो जाए तो इसको किसी बॉटल में हम लोग रख सकते हैं, तो मेरी तरफ से जवाब होगा नहीं, क्योंकि बेहतर होगा आप उसी टाइम फ्रेश ही बना लें जब आप पेंटिंग के मूड में हों, उसी टाइम दिन बना कर आप उसको बॉटल में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, मगर कि 24 आवर्स से ज़्यादा ना हो टाइम, तो बेहतर होगा आप उसी टाइम फ्रेश ही बना लें। मिक्सिंग करते हुए व्यूअर्स, आपने ध्यान रखना है कि उसमें कोई लम्स ना रहें। ये देखें, ये इस तरह हमें पतला सा लिक्विड चाहिए। अब हम लोग ले लेते हैं, मुझे चाहिए एज़ यूजुअल 3 पार्ट्स में, इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे 3 शेड्स चाहिए। तो हम लोग वही एक्रेलिक कलर्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं, टर्कोइस ब्लू और वेरेंडियन और वाइट, वही मैं मिक्स करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, आपको मैं बताती चलूँ, जब आप लोग इसमें एक्रेलिक कलर मिक्स करेंगे तो चूंकि कलर जो है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो इसीलिए रेशो इनका वही आप रखेंगे कि आप लोग को मैं पहले बता चुकी हूँ कि 80% आपने पोरिंग मीडियम रखना है और 20% एक्रेलिक कलर डालना है। तो आप लोग एज यूजुअल डाल दें, और जब एक्रेलिक कलर को आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो मेक श्योर कि वो पोरिंग के लिए रेडी टू पेंट हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा थिक होता है तो आप उसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए।
जी व्यूअर्स, हमारे शेड्स हो गए हैं रेडी। अब एज़ यूजुअल हम लोगों ने सरफेस तैयार करनी है। नीचे बॉक्स रख दिया है, मैंने ऊपर कैनवस रख दिया है। कैनवस का साइज़ 8x8 है और इस बार मैं पोरिंग जो है चारों एतराफ में मैं डाल रही हूँ स्पायरल में, और जगह जगह थोड़ी जगह आप अपने अभी कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और वैसे तो मैं आपको जो टेक्निक सिखाया था वो था मार्बल टेक्निक, फिर उसके बाद मैंने वही मार्बल टेक्निक को हेयर ड्रायर्स की मदद से भी स्ट्रोक्स डिफरेंट करने की कोशिश की थी, वो टेक्निक सिखाई थी। और आज मैं आपको टोटली पोरिंग टेक्निक सिखा रही हूँ होममेड पोरिंग मीडियम से। तो ये आप देख सकते हैं, स्पायरल इफ़ेक्ट भी आप देख सकते हैं। और अगर व्यूअर्स आप इसमें क्रैक्स का इम्प्रेशन लाना चाहते हैं तो उसका टेक्निक भी मैं आपको बहुत जल्द शेयर कर लूँगी कि आप लोग क्रैक्स भी इसमें दिलवा सकते हैं, और सेल्स की टेक्निक भी सिखाऊंगी। तो फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ ये जल्दी मैं दिखा रही हूँ कि ये देख सकते हैं आप, इस तरह की मैं क्रैक्स की बात कर रही थी व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको सिखाऊंगी कि ये क्रैक्स भी आप लोग पेंटिंग में किस तरह ला सकते हैं, और इसका ड्राइंग टाइम जो है वो है 24 आवर्स। तो आप 24 आवर्स के लिए इसको किसी ड्राई सर्फेस पर रख दीजिएगा, और तो आप 24 आवर्स के बाद इसको वो वॉल पर हैंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी ये सीरीज़? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए। तो व्यूअर्स, फाइनली हमारा आप होममेड पोरिंग मीडियम भी देख चुके हैं कैसे बनता है। सिंपल पोरिंग जो मैंने मार्केट से रेडीमेड लिया था वो उसके भी मैंने पेंटिंग शेयर कर दी टेक्निक आपके साथ, और उसके अलावा हेयर ड्रायर से भी आप लोग किस तरह के इम्प्रेशन दे सकते हैं पेंटिंग्स में। तो इस तीन कंप्लीट सीरीज़ में आप लोग सीख सकते हैं, और ये वीडियो बेस्ट है फॉर बिगिनर्स। स्टेप बाय स्टेप ईजिली मैंने आपको उर्दू में सिखा दिया है कि आप लोग घर बैठ के मज़े की पेंटिंग्स अपने वॉल्स कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो मुझे दे इजाज़त, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।